खबर गोपालगंज की है। गोपालगंज में और केस्टा के दौरान नाबालिग युवक द्वारा एक पिस्तौल लेकर सार्वजनिक प्रदर्शन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है। इस वीडियो में नाबालिग अपने हाथ में पिस्तौल लेकर ऑर्केस्ट्रा नर्तकी को पैसे दे रहा है। बताया जाता है कि यह वीडियो बरौली के सलोनी पंचायत के सोनबरसा गांव का है। आपको बता दें कि नाबालिग युवक की उम्र करीब 15 साल बताई जा रही है। इस नाबालिग युवक के अलावा इसके दोस्त एक और नाबालिग दोस्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है, जिसमें वह अपने हाथ में पिस्तौल लेकर पोज दे रहा है। इस तस्वीर और वीडियो में जो नाबालिग है वह दोस्त है और एक ही गांव के रहने वाले हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक बरौली के सोनबरसा गांव में कुछ दिन पहले ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया था। कोविड लॉकडाउन के दौरान नियमों की अनदेखी कर जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी। जिला प्रशासन की कार्रवाई से बेखबर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। इस ऑर्केस्ट्रा में एक नाबालिग युवक कुर्सी पर बैठकर आराम से ऑर्केस्ट्रा नर्तकी का डांस देख रहा था। डांस के दौरान आप देख सकते हैं कि कैसे वो पिस्तौल की नोक पर पैसे नर्तकी को दे रहा है। करीब 34 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि एक नाबालिग युवक के पिता का नाम चंचल भगत है, जबकि दूसरे नाबालिग युवक के पिता का नाम बच्चा शाह है। बच्चा शाह सलोनी पंचायत के मुखिया के पटीदार है। हालांकि इस वीडियो को लेकर जब बरौली के थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार शाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसी किसी वीडियो की जानकारी नहीं है। अगर उन्हें वीडियो उपलब्ध कराया जाए तो वे पूरी मामले की जांच करेंगे और वीडियो सही पाए जाने पर जो दोषियों पर FIR दर्ज की कार्रवाई की जाएगी।